हाय फ्रेंड्स, टेंथ सेटर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले इंडिया मार्ट इंटरमेंस इन लिमिटेड शेयर के बारे में, जो 4,315 रुपये में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो 2 अगस्त को ख़त्म हुआ, उसमें 0.35% का अप मूव है। इसका B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है दोस्तों, और लार्जेस्ट ऑनलाइन आपका मार्केट प्लेस है ये। आपका मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये गेम चेंजर है। मतलब वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, इसके कंपेयर में कोई नहीं है अभी भी। मतलब नौकरी तो है इसके कंपेयर में, लेकिन उतना ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड नहीं है। ये बहुत सारा मॉडल इसके साइट में आपको लिस्टिंग कराने के लिए पहले ही आपका रेवेन्यू कलेक्ट कर लेता है। तो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, B2B मार्केट है, डायरेक्ट कस्टमर को जोड़ता है अपने वेबसाइट के थ्रू। 13,279 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 4,315 में है दोस्तों, और बुक वैल्यू देख सकते हो 615 में है। और डिविडेंड जो है 0.05% देता है। ROC 22% है, जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ये बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, फेस वैल्यू 10 है, अभी तक स्प्लिट हुआ नहीं है। अभी देखो एक शानदार तेज़ी, जब भी ये स्टॉक आपको 4,800 की तरफ देखने को मिलेगा, एक शानदार ब्रेकआउट यहाँ से 200 DMAs को क्रॉस करते हुए आगे आपको 7,000 से 8,000 का भी टारगेट दिखा सकता है नियर 3 से 4 महीने के अंदर। अगर 3 से 4 महीना आप इस स्टॉक को होल्ड करोगे तो आपको 7,000 से 8,000 टारगेट दिखाएगा। और आपका अगस्त के अंदर, मुझे लगता है अगस्त के अंदर ये 5,500 का जहाँ ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेगा, तो आपका 5,500 की तरफ आता हुआ दिखेगा। नियर टर्म में QMA बोल रहा हूँ, जितना गिरना था ये गिर चुका, अभी ये दौड़ने के लिए निफ्टी भी रिकवर कर चुका है। लेकिन ये स्टॉक अभी भी अपना जो 52 वीक हाई था उसमें आपको पहुँचा नहीं है, और थोड़ा सा रिकवर हुआ है। तो ऐसे ही वीडियो में लाता हूँ दोस्तों आप ही लोगों के लिए, कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाए। तो बहुत शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हो दोस्तों। 5,200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और इसको ब्रेक करता है तो नियर टर्म में 2 से 3 महीने के अंदर आपको 8,000 भी जाते हुए दिखेगा स्टॉक। और डेट फ्री कंपनी है, 91% CAGR है लास्ट 5 ईयर में। आप समझ रहे हो, 91% CAGR निकल के देता है हर साल। ड्यू टू पेंडेमिक में ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था दोस्तों। सेल्स ग्रोथ 23% है लास्ट 10 ईयर्स में, नेगेटिव कुछ है ही नहीं उतना ज़्यादा। और सेल्स ग्रोथ देखो, अभी भी इसके जून क्वार्टर में आया है तो आपका सीधा सीधा 12 करोड़ का प्रॉफिट है। मैंने बुलाया था लिस्टिंग करने के लिए कंपनियों को, पहले से ये पैसा ले लेता है। और एक्सपेंस है देखो, एक्सपेंस भी 12 करोड़ बढ़ा है, उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ आपका बढ़ा है। तो एक्सपेंस 12 करोड़ बढ़ने के बाद भी 2 करोड़ बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हो गया क्योंकि आपका टैक्स भी उतना हिसाब से देना पड़ता है, और ऊपर से थोड़ा सा डिप्रिसिएशन भी है 1 करोड़ ज़्यादा। EPS इसलिए थोड़ा 4 करोड़ कम हो गया, लेकिन ये एक बिजनेस एक्सपेंस का मॉडल है, और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्वार्टर टू क्वार्टर इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, 3 ईयर्स में 52% का CAGR निकाल के देता है, जो अपने आप इसको बहुत बड़ा एक कंपनी दर्शाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इसका शेयर होल्ड करके नहीं बैठा है। प्रोमोटर्स देखो 49.52% में, बहुत अच्छा आपका पोजीशन में। FII भी थोड़ा बहुत कम किया है, अब लगातार जो ये 3% कम किया है दिसंबर क्वार्टर से। अभी देखो जून क्वार्टर में आपका FII का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है, तो FII अभी धीरे धीरे बाई करना शुरू कर दिया है स्टॉक को। और ये स्टॉक अभी जहाँ FII बाई करना शुरू कर देता है तो ये बूम मारता है, और सितंबर क्वार्टर में आपको FII का होल्डिंग पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ के आया हुआ है। और पब्लिक का होल्डिंग देख सकते हो कि थोड़ा बहुत बढ़ा है, आदर्श का भी होल्डिंग थोड़ा बढ़ा है, 0.04% से 72% हुआ है। और DII थोड़ा सा कम किया है, अब DII भी बाई कर रहा है। देखो इन्वेस्टर इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको रेगुलर बेसिस मीट हो रहा है कि ये स्टॉक को क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेके कंपनी के साथ डायरेक्ट बात कर रहा है। अभी चार्ट में देख लेते हैं, लास्ट 5 डेज में देखो 4% दिया है, और एक आपको ये चार्ट देखने ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ गया है। देख रहे हो लास्ट 1 महीने में देखो
13% दे दिया है और अप ट्रेंड में आ गया है दोस्तों। तो अभी इसको बाई करो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, और एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो यहाँ से। देखो अभी इसका टेक्निकल देख लेते हैं कि टेक्निकल ख़रीदने के लिए RSI MFI कितने में है। 62 में है RSI और बहुत अच्छा माना जाता है, और MFI भी 70 में है। तो यहाँ से स्टॉक एक बूम मारेगा शायद आज ही, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के ट्रेडिंग सेशन में 8-9% का एक तेज़ी आ सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ MFI जो है ज़्यादा में है और ओवर RSI भी 60 प्लस है, और बुलिश इंडिकेटर मतलब 51 में MACD दिखा रहा है। तो आज से 5% प्लस कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है अगर निफ्टी साथ दिया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो लाने के लिए सब्सक्राइब करो।